अगली खबर जो हमें मिल रही है भोपाल से ही, 16 सितंबर को प्रदेश में अन्न उत्सव मनाया जाएगा। ऑटो चालक भी इसमें पात्र होंगे। अन्न उत्सव 16 सितंबर को पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा, जिसमें 37 लाख नए हितग्राहियों को राशन का वितरण होगा। 16 सितंबर से राशन का वितरण होगा। इस योजना के लिए प्रदेश भर से अन्न उत्सव का आयोजन किया जाएगा। 37 लाख नए हितग्राहियों को राशन का वितरण किया जाएगा। और चलिए सीधे रुख करेंगे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता का। वैभव जी, अगर गलत नहीं हूं मैं तो शायद इस तरह का आयोजन प्रदेश भर में पहली बार किया जा रहा है। अन्न उत्सव पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। इस उत्सव को थोड़ा सा समझाइए कि क्या इस उत्सव के अंतर्गत किया जाएगा और प्रदेश की जनता को किस तरह से इससे लाभ पहुंचेगा। जया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसको बीजेपी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। मतलब पूरे सातों दिन बीजेपी के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा सेवा के काम किए जाएंगे। 17 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन है, तो उससे एक दिन पहले 16 सितंबर को मध्य प्रदेश में अन्न उत्सव मनाया जाने वाला, जिसमें 37 लाख नए हितग्राहियों को बीजेपी के कार्यकर्ता अन्न बांटेंगे, ताकि उनका कई बार तमाम तरह की परेशानियां होती हैं, लेकिन अन्न बेहद ज़रूरी होता है। तो अन्न उत्सव मनाया जाएगा 37 लाख हितग्राहियों के साथ ही इसमें ऑटो चालकों को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि कोरोना के बाद भले ही अनलॉक 4 की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी हो, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो रोज़गार धंधे थे वो पुरानी तरीके से शुरू नहीं हो पाए थे। लोगों की आमदनी भी लगभग खत्म हो चुकी है, क्योंकि जो जमा पूंजी थी कोरोना काल में, जो 4 से 5 महीने लॉकडाउन रहा उस पर वो खर्च हो गई। तो बीजेपी ऐसे वक्त में उन लोगों की मदद के लिए आगे आई है जो अनाज के लिए परेशान हो रहे हैं। तो बीजेपी के द्वारा 37 लाख हितग्राहियों को अनाज बांटा जाएगा। अन्न उत्सव की मदद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाकर सेवा भाव से उनका जन्मदिन भी मनाया जाएगा। मैं लौटूंगी आपके पास वैभव जी, बने रहिएगा। तो 16 सितंबर को पूरे प्रदेश में अन्न उत्सव मनाया जाएगा और इस अन्न उत्सव के तहत 37 लाख नए हितग्राही, जिससे राशन का वितरण प्रदेश सरकार की तरफ से